अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद यहया एंड आई एम योर इस्लामियात टीचर। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 7। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड चैप्टर नंबर 1 एक्सक्लूडिंग नाजरा, दैट इज़ वी विल कवर नाजरा लेटर एंड वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक। सो वी हैड डिस्कस्ड द इशू ऑफ रिसालत, दैट इज़ व्हाट आर आवर बिलीव्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। So in this lecture we will discuss the topic of prayers. In first of all we will discuss concept of worship, that is ibadat. Ibadat kya hai? Ibadat comes from the word abd, which means a slave or a servant. Allah is our creator and master and we are his slaves or servants. Thus ibadat means total submission to Allah. It is an effort on our part to develop a close relationship with Allah एंड अ वे टू थैंक हिम, दैट इज़ अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और वो शुक्र अदा किस तरह करना है? वो अल्लाह ताला की इबादत करके करना है। इट इज़ थ्रू इबादत दैट वी आर कनेक्टेड टू अल्लाह हार्ट माइंड एंड सोल। हाउ इबादत कैन बी डन इज स्टेटेड इन कुरान एंड डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियरली बाय आवर डियर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी कि हमें इबादत करनी किस तरह है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो एग्जांपल कायम की हमारे लिए, उस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें इबादत किस तरह करनी है। इन सूरह हज अल्लाह ताला सेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर وَفِعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ। Oh you who have believed, bow down and prostrate yourself and worship your Lord and do good so that you may attain happiness। यानी कि अल्लाह ताला की इबादत किस तरह करनी है? सजदा करके करनी है, रुकू करके करनी है और नेक और अच्छे काम करके इबादत करनी है। Our Prophet sallallahu alaihi wasallam spent so much time in prayers that the Quran said कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में इतना टाइम लगाते थे, इतने अच्छे तरीके से इतनी ज़्यादा इबादत करते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا। Stand to pray at night except a small portion thereof, half of it or a little less than that or a little more, and recite the Quran aloud in a slow pleasant tone style। दैट इज़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात इबादत करते रहते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया कि आप पूरी पूरी रात ना करें, आधी कर दें या उससे थोड़ी ज़्यादा या उससे थोड़ी कम। तो इबादत के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कीन थे, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने आप को नुकसान में ना करें, कि थोड़ा मॉडरेट रहें। इबादत का एक पहलू ये भी है कि जिस तरह एक एम्प्लॉई अपने बॉस को खुश करना चाहता है, वो उसके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो पूरे करता है, जितने भी टास्क मिले होते हैं वो पूरे करता है ताकि उसको बॉस उससे खुश हो और उसको प्रमोशन मिले, उसको जो भी वो चाहता है बॉस भी फिर उसकी बात माने। तो इसी तरह जो एक ग़ुलाम है, एक सर्वेंट है, वो भी अपने मास्टर को अल्लाह ताला को के लिए वो काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है, और जो अल्लाह ताला को बुरे हैं उन काम से बचे ताकि अल्लाह ताला खुश हों और अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया है उसके लिए हम शुक्रगुजारी कर सकें और अल्लाह ताला मज़ीद हमें जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरियात है वो अल्लाह ताला हमारी ज़रूरियात पूरी फरमाएँ। इबादत इज़ अ वे ऑफ रिमाइंडिंग अस ऑफ द कम्प्लीट सुपीरियॉरिटी ऑफ अल्लाह एंड आर कम्प्लीट डिपेंडेंस ऑन हिम। इबादत इस बात की हमें याद दहानी करवाती है कि हम सब अल्लाह ताला पर डिपेंडेंट हैं, अल्लाह ताला ही वो है, वो ज़ात है जो हमें अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला ही वो ज़ात हैं जिनसे हम मांग सकते हैं। कोई और हमें अता नहीं कर सकता और कोई और हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेइंग टू अल्लाह, दुआ इबादत की एक फॉर्म दुआ है। दुआ यानी मांगना और पुकारना। दुआ का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरियात के लिए मांगें, अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह ताला से हम अपनी ज़रूरियात को बताएं कि अल्लाह ताला ये हमारी ज़रूरियात है, आप हमारी ज़रूरियात फरमाएं। अल्लाह ताला सेज़ इन कुरान एंड योर लॉर्ड सेज़ कॉल ऑन मी आई विल आंसर योर प्रेयर। अ
अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और कुरान में अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया है, से आई डू नॉट मोर देन इन्वोक माई लॉर्ड एंड आई डू नॉट ज्वाइन विद हिम एनी फॉल्स गॉड। यानी कि अगर दुआ करनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से करनी है और किसी और से नहीं करनी। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं पुकारता, किसी और से दुआ नहीं मांगता, किसी और से अपनी ज़रूरियात नहीं बयान करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगता हूँ और मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता, मैं किसी और को खुदा नहीं मानता जो मेरी ज़रूरियात पूरी कर सके या जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो। बट दोज यू कॉल अपॉन बिसाइड्स हिम आर अनएबल टू हेल्प यू एंड इंडीड टू हेल्प देम सेल्फ। एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिनको तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वो तो अपनी भी मदद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान में फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकार सकते हैं वो इतने कमज़ोर लोग हैं कि अगर उनसे कोई मक्खी कोई ज़र्रा लेकर भाग जाए तो वो उस मक्खी को पकड़कर उस ज़र्रे को वापस भी नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ज़ात इतना नहीं कर सकती, जब वो ज़ात कोई इतना नहीं कर सकती तो वो दूसरों की क्या मदद करेगी। तो और दूसरों की मदद करने वाली ज़ात, दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने वाली ज़ात कौन, किसकी ज़ात है? वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अदुआ विच कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन मैन एंड गॉड। इट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। द दुआ इज़ द एसेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्शिप। दुआ जो दिल से निकलती है वो उसके चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा कबूल हो, वो सीधा अल्लाह ताला के पास जाती है। और ये जो खालिक और मखलूक यानी बनाने वाले का और जो बनाया गया है यानी अल्लाह और इंसान का जो ताल्लुक है उसके लिए उसमें एक क्लोज और डायरेक्ट रिलेशन होता है दुआ का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज़ दुआ एंड दुआ इज़ द वेरी एसेंस ऑफ वर्शिप। यानी बेसिकली दुआ क्या है? दुआ यही तो है कि हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। और हम अल्लाह ताला से कब मांगेंगे? जब हम इस बात पर यकीन करेंगे कि अल्लाह ताला एक हैं, अल्लाह ताला ही माबूद हैं, अल्लाह ताला ही हमें अता कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही के पास ही कैपेबिलिटीज़ हैं और कोई इंसान कोई मखलूक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब हम ये सब मानेंगे तो ही हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या फिर जब हम दुआ करेंगे तो ये मान रहे होंगे तभी तो करेंगे, वरना हम दुआ क्यों करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुआ एक बहुत बेहतरीन इबादत है और दुआ इबादत का एसेंस है। यानी कि हम जब दुआ कर रहे हैं तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमारे तौहीद के जो बिलीव्स हैं हम उन पर कायम हैं। ओके स्टूडेंट्स, देर आर सम पॉइंट्स विच वी मस्ट कीप इन माइंड व्हेन वी कॉल टू अल्लाह इन दुआ। नंबर वन, वी मस्ट हैव फेथ दैट अल्लाह इज लिसनिंग टू अस एंड दैट ओनली ही इज केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ऑल दुआस। दैट इज़ कि हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सुन रहे हैं और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर हैं, वो कैपेबल हैं कि वो हमारी जो भी ज़रूरियात हैं पूरी कर सकें। दुनिया में कोई नहीं जो हमारी ज़रूरियात तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके, ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। नंबर टू, वी मस्ट एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्राम हिम। अल्लाह ताला ने एक हदीस में फरमाया है कि मैं वैसा हूँ जैसा मेरा बंदा, मेरा ग़ुलाम, मेरा सर्वेंट मुझे एक्सपेक्ट करता है। तो अगर हम अल्लाह ताला से अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे तो हमें अल्लाह ताला उसी तरह अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला से हम बुरा एक्सपेक्ट करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसी तरह अता फरमाएंगे। तो दुआ करते वक्त हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर थ्री, आर इंटेंशंस मस्ट बी गुड एंड वी मस्ट प्रे ओनली फॉर द परमिसिबल थिंग्स। दैट इज़ कि हम जब दुआ मांगे तो हम सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए दुआ मांगे और जायज़ चीज़ों के लिए दुआ मांगे। किसी के लिए बुराई और किसी के लिए गलत चीज़ मांगना या अपने लिए गलत चीज़ मांगना, तो ये दुआ करना जायज़ नहीं है, ये दुआएँ कबूल नहीं होती। नंबर फोर, दुआज शुड बी मेड विद सिंसेरिटी एंड विद एन अटेंटिव हार्ट। ऐसा ना हो कि दिल कहीं और है और दुआएं मांगे जा रहे हैं, बस मुंह से बोले जा रहे हैं लेकिन दिल अल्लाह ताला की तरफ नहीं है। तो दिल अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए और सिर्फ अपना जो दिल अल्लाह ताला की तरफ रख के और अटेंटिव होकर दुआएँ मांगनी चाहिए। सो दीज आर सम दुआज जिनका कबूल होना, जिनका आंसर्ड होना
जल्दी होगा कि अगर हम ऐसी दुआएं मांगे, इस सिचुएशन में दुआएं मांगे तो जल्दी कबूल होंगे। दैट इज़ दुआज बाय पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन, अगर वालदेन अपने औलाद के लिए दुआएं मांगे तो वो जल्दी कबूल होंगी। दुआज फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर हम किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआएं मांगे तो ये जल्दी कबूल होगी। द दुआ ऑफ अ ट्रैवलर, कोई ऐसा शख्स जो सफ़र की हालत में है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो दुआएं करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं जल्दी कबूल फरमाएंगे। द दुआ और बद दुआ ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन रॉन्ग, अगर कोई किसी के साथ गलत करे और जिसके साथ गलत हुआ है वो गलत करने वाले के लिए दुआ के खिलाफ दुआ करे तो ये दुआ बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। और इसी तरह बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जैसे जब लोग इंतकाल कर जाते हैं तो उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, उनके लिए मगफरत की, फॉरगिवनेस की दुआएं करनी चाहिए, तो ये दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं और जल्दी कबूल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, नाउ वी हैव डन द टॉपिक ऑफ प्रेयर्स एंड दुआ। सो द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन माइंड बिफोर ऑफरिंग दुआ टू अल्लाह, तो आपको इसका आंसर एक्सट्रैक्ट करना है और वो अपनी नोटबुक में करना है। ये बहुत इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप ये खुद एक्सट्रैक्ट करके इसको अपनी नोटबुक में कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।